नए कुश्ती संघ को खेल मंत्रालय ने किया निलंबित। नमस्कार, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं मेरे साथ इस वक्त टुडे जुनून। खेल मंत्रालय ने हाल ही में चुने हुए नए कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया। 21 दिसंबर को ही चुने हुए संजय सिंह, जिन्हें भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह का करीबी माना जाता है, को कुश्ती संघ चुनावों में 47 में से 40 वोट मिले थे। उनकी प्रतिद्वंदी अनीता श्योरण को केवल 7 वोट मिले। संजय सिंह उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष पहले रह चुके हैं। नवनिर्वाचित होने के तुरंत बाद ही नए कुश्ती संघ ने यह ऐलान किया था कि जूनियर नेशनल चैंपियनशिप गोंडा में होगी। ये फैसला से नए अध्यक्ष की मनमानी झलकती है। सरकार ने इसे नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड का उल्लंघन करार दिया है, क्योंकि यह ऐलान जल्दबाजी में लिया गया था और सही प्रक्रिया का जो है वो पालन भी नहीं किया गया था। खेल मंत्रालय के अनुसार इस तरह की प्रतियोगिता के लिए कम से कम 15 दिन पहले नोटिस जारी करना जरूरी होता है। जब से संजय सिंह जो है वो अध्यक्ष बने, तब से विवाद बढ़ता जा रहा था। रेसलर साक्षी मलिक ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था, जिसका मुख्य कारण उन्होंने संजय सिंह को ब्रजभूषण सिंह का करीबी होना बताया था। साक्षी ने यह भी कहा कि सरकार ने उनकी मांगों को स्वीकार करने की सांत्वना भी दी थी, लेकिन हकीकत सबके सामने है कि ब्रजभूषण का राइट हैंड कहे जाने वाला ही फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया। इस फैसले के बाद बजरंग पूनिया, जिनके नेतृत्व में ही कई रेसलर ने जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन किया था, बजरंग पूनिया ने संजय सिंह के विरोध में अपना पद्मश्री भी लौटा दिया और उन्होंने पीएम मोदी को पत्र में लिखा था, पहलवानों ने ब्रजभूषण पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिस पर दिल्ली पुलिस ने FIR भी दर्ज किया। खेल मंत्रालय के कहने पर पहलवानों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया था, लेकिन सरकार को इस मामले में जल्द से जल्द कड़ा फैसला लेना होगा, क्योंकि यही देश की महिलाएं पहलवानी से देश का मान अंतरराष्ट्रीय मंच पर फैलाती हैं और जरूरत पड़ने पर पुलिस की लाठियां भी खाती। साथ ही साथ ब्रजभूषण ने कहा कि दबदबा था और रहेगा। यह बयान ने काफी माहौल खड़ा किया, साथ ही फेडरेशन को बर्खास्त करने का भी मुख्य कारण यही माना जा रहा है। महिला पहलवानों की मांग उठा रहे व धरने का विरोध और सुर खड़े कर रहे इन पहलवानों पर हम आपकी राय सुमारी का इंतजार कर रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। कैमरे के पीछे थे मेरे सहयोगी संजीव और आप देख रहे थे टुडे जुनून। नमस्कार।